हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाने का काम हर कोई करता नजर आ रहा है और इससे बहुत बड़ा संबल कोरोना फाइट अभियान को मिला है। आज आंगनवाड़ी के अंदर वार्ड संख्या 76 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगी द्वारा अपने स्तर पे मास्क तैयार किए गए हैं और इन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क जो तैयार किए हैं वो घर घर जाके वितरण किए जा रहे हैं और इनके वार्ड में जितने भी बुजुर्ग बच्चे महिलाएं हैं उन सबको ये अपने स्तर से तैयार किए मास्क वितरण कर रहे हैं। बाड़मेर में आंगनबाड़ी केंद्र पर आशाओं ने भी अब मास्क निर्माण कर घर घर बांटने का काम शुरू कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के राकेश भाटी बताते हैं कि इन महिलाओं ने न केवल अपने हाथों से मास्क तैयार करवाए बल्कि हर घर तक पहुंचकर इन्होंने मास्क बांटने का काम भी अपने हाथ में लिया है, जो यकीनन बेहद अच्छा काम है। गौरतलब है कि ये महिलाएं पिछले कई दिनों से मास्क निर्माण के कार्य में दिन रात लगी हुई हैं और अभी भी इनको काफी बड़ी तादाद में मास्क तैयार करने हैं। ऐसे में महिलाओं ने समूह बनाकर मास्क तैयार करवाने शुरू किए हैं। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।